मैं रात को ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंजिला आज। फंजिला आज में आपका स्वागत है। ये मेरा ही रूम है। आपको आसपास से आवाज़ आ रही है। टाइम हुआ है 10:10 का टाइम हुआ है और मेरे को अचानक से वहम क्यों पड़ा ब्लॉग बनाने का। ये वहम मुझे इसलिए पड़ा कि आपको आवाज़ आ रही है साइड से। हमारे यहाँ पर रामलीला बनना स्टार्ट हो गया। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है ना, तो नवरात्रि की वो रामलीला स्टार्ट हो गई है। मेरे को लो नहीं है रात को बाहर जाना, लेकिन हमारे मोहल्ले में ऐसे दूर से झलक दिखाती हूँ आपको। दूर से वो फ्रेंड वाला, आवाज आ रही है यार, कुंडी लगाती हुई है। आपके लिए रिस्क लेके बाहर आई हूँ। किसी को पता चला ना घर वालों को, तो उनको पता चल जाएगा, मार भी पड़ेगी मेरे को। बातें नहीं, मार तो थोड़ी सी पड़ जाएगी, तो देख लो थोड़ी सी रामलीला की झलक, ठीक है ना। हमको मजा आएगा, सच्ची में अच्छी है। ये हमारा है साडा चौंक। इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है साडा चौंक। एक बार मैंने आई थिंक छत से बताया था आपको हमारा चौंक, तो चौंक ठीक है, मतलब थोड़ा सा है। तो यहाँ पे एक साइड पे रामलीला वाला कर लेते हैं, ये साइड पे जगह है तो मज़ा आता है देखने में। तो ये स्लो मोशन इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने राउंड लिया, ऐसे ही अपने ही राउंड लिया और वो मैंने थोड़ा स्पीड में ले लिया। तो फिर मैं बता रही थी कि चौंक कितना बड़ा है, तो ये दिखाने के लिए मैंने राउंड लिया, लेकिन फिर भी बहुत स्पीड से निकल गया है, तो कोई बात नहीं, अभी बड़ा टाइम है। तो बस यही दिखाने के लिए मैंने इसको स्लो मोशन किया हुआ था। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। मैं बिना माइक के कर रही हूँ यार, मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ, तो बिना माइक के मैं आप बीच में वॉइस ओवर दिए जा रही हूँ। तो आई थिंक ठीक है, इतनी आवाज़ काफ़ी है। तो ये स्लो मोशन में देख लो, हमारे मोहल्ले में जगह काफ़ी है। ये यहाँ पर ग्राउंड में लोग इकट्ठे होने के लिए काफ़ी है। एक फंक्शन तो कर ही सकता बंदा, एक फंक्शन हो जाता है। तो कैसा लगा, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना आपको कैसा आया, मज़ा आया या नहीं आया। मैंने एक ही सीन शूट किया था क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक नहीं खड़ी हो सकती वहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा कोई साथ होता तो फिर खड़ी हो जाती, ऐसे नहीं मैं हो सकती। तो बस आप देखो और इन्जॉय करो, देखूँगी जाना होगा। ये सीन जो है ना, ये सीन है जब श्रवण की डेथ हो जाती है दशरथ के तीर से। तो उसके मम्मी पापा को जो है, पेरेंट्स को, अंधे जो उनके पेरेंट्स थे, उनको दशरथ जी पानी पिलाने आते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगने आते हैं। तो तब वो श्रवण के जो पेरेंट्स होते हैं उनको श्राप देते हैं। तो ये वो सीन है। अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा और बाहर से अभी भी नॉइस आ रही है, तो मैं ब्लॉग अभी भी गया, मैं जानबूझ के बैकग्राउंड म्यूज़िक काट नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी भी चल रही है, तो मैं रात को ही एडिटिंग कर रही हूँ। सो देख लो, अच्छा लगेगा आपको, सुनाई नहीं देगा अच्छे से, लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे हैं वो, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए इनको। बेटा बोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। इस तरह क्यों रूठ गए? अगर तुम ही हमसे रूठ गए तो हमारी तो जान ही हो जाएगी। बेटा श्रवण, बहुत देर लगा दी, थोड़ा जल को पिला दो इंद्रिया बुद्धि को।
कौन हो तुम? तुम तो हमारे बेटे शिलोह नहीं, तुम कौन हो? मेहरबानी करके अपना परिचय दो और मेरे शिलोह पुत्र कहा है। महाराज मेरा नाम दशरथ है। कौन दशरथ? महाराज आपके बारे में सुना तो था बहुत, भगवान ने आपको नाम ही दिया। दे लीजिए थोड़ा जल पी लीजिए। नहीं नहीं हम तुमसे जल नहीं पी सकते, हमारा बेटा श्रवण पानी लेने गया है। महाराज मेहरबानी करके हमारे पूरे के दो बेटे को ढूंढ लाइए, पता नहीं कहां चला गया है। अब मैं इनको कैसे बताऊं जिसका ये इंतजार कर रहे हैं वो कभी लौट कर नहीं आएगा। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका श्रवण मेरे हाथों मारा जा चुका है। मैंने तो एक जानवर समझकर शवक में भी तीर चलाया था, किंतु No!
मज़ा आया यार, अच्छा लग रहा था, अच्छा अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। मोहल्ले की रामलीला में ना अपना ही मज़ा होता है, जो भी एक्टिंग भी बेचारे कर रहे होते हैं अपनी तरफ से अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हंसी आ जाती है। तो मेरे को हंसी आ जा रही थी पीछे, लेकिन अच्छा आया। जो भी है, ये फर्स्ट डे था तो मैंने सोचा एक छोटा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, है ना। तो पता है मेरे मोहल्ले में किसी को नहीं पता मैंने चैनल बनाया हुआ है, यहाँ पे किसी ने वो नहीं है। तो अगर किसी को पता होगा तो बताएंगे किसी को कि देख लो मैंने आपको रिकॉर्ड किया हुआ है। बाय द वे आपको कैसा लगा? ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फनज़िला आर्ट्स एंड लेट्स लर्न विद दिए। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।